महादेव बेटिंग ऐप के जरिए बनावटी अकाउंट बनाकर अवैध बेटिंग की गई है, जिसे लेकर बड़ा रैकेट सामने आया है। जहां अब विधायक आशीष शेलार की ओर से संबंधित मसले को लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी तार जोड़े गए हैं। हम सब जानते हैं पूरे देश में महादेव ऐप नाम के माध्यम से इलीगल इस प्रकार का ट्रेडिंग, बेटिंग और जुगार ये देश में हो रहा है। इसमें बनावट अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। 67 वेब पोर्टल के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। अब बुकिंग नहीं तो डायरेक्ट कंज्यूमर से पैसे लेना देना और बेटिंग की जा रही है, और उसके कारण एक बड़ा रैकेट सामने आया। जब कोर्ट ने निर्देश देने के बाद एक FIR रजिस्टर हुआ और उस FIR के माध्यम से मुंबई पुलिस ने 420 से लेकर 468 तक IPC के गुना रजिस्टर किए हैं, और 66F इस प्रकार के IT एक्ट के अंदर भी गुना रजिस्टर किया है। उस मामले को सदन में मैंने बताकर ये मांग की है कि इस FIR में जो प्रमुख आरोपी नंबर 2 अमित शर्मा है, जो पार्टनर है दाऊद के भाई मुस्तकीन का, और उस माध्यम से मुंबई के रियल इस्टेट इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली JP इंफ्रा मुंबई प्राइवेट लिमिटेड और JP इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करने वाले बिल्डर्स हैं, उनमें इनकी पार्टनरशिप का पैसा आया है। इन्होंने JP डेक्स नाम के एक प्रोजेक्ट को गोरेगांव में अंजाम दिया है, काम शुरू है। मीरा भाईंदर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस प्रकार से दाऊद के पार्टनर रहने वाले लोगों ने मुंबई के रियल इंडस्ट्री में पैसा लगाना शुरू किया है। और उसी के साथ साथ दूसरा आरोप मैंने किया, रशेश शाह जो एडिलवाइज फाइनेंस नाम के एक बदनाम कंपनी के मालिक है, इन्होंने इस दाऊद के पार्टनर के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को 1000 करोड़ रुपया आर्थिक पुरोठा दिया है। ये दोनों मामले भी संगीन है। दाऊद से रिलेटेड आदमी को फाइनेंस देना और दाऊद से पार्टनर का पैसा रियल इंडस्ट्री में आना, ये दोनों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस मेरी मांग के ऊपर जवाब देते समय माननीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, मुंबई पुलिस ने SIT की है, ED इसकी जानकारी कर रही है। हम इस मामले को भी कि रियल इस्टेट में अमित शर्मा मुस्तकिन का जो पार्टनर, उसका पैसा आया है क्या, और रशेश शाह एडलवाइज इन्होंने फाइनेंस किया है क्या, उसका इंटेंशन क्या है, इसके पीछे राज क्या है, इस सबकी इंक्वायरी 2 महीने में करेंगे, इस प्रकार का उत्तर दिया है।